आज का वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर वेल्डिंग कराते हैं तो क्या क्या सावधानी लेना होगा, तो आपका कंट्रोलर ख़राब नहीं होगा, मोटर ख़राब नहीं होगा, कन्वर्टर ख़राब नहीं होगा। मुझे बहुत ने कमेंट किया था जो वेल्डिंग कराने पर कंट्रोलर ख़राब हो गया है, मोटर ख़राब हो गया है, तो क्या करने से ख़राब नहीं होगा इस वीडियो में बताएँगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल टेक्निकल हेल्प MK। आज आप लोगों को बताएँगे इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आर्क वेल्डिंग करने पर कभी कभी कंट्रोलर ख़राब हो जाता है, कभी कभी मोटर का सेंसर ख़राब हो जाता है, कभी कभी DC to DC जो कन्वर्टर है वो भी ख़राब हो जाता है, और बैटरी भी ख़राब होता है। सबसे पहले बैटरी भी ख़राब हो जाता है गाड़ी पर अगर लगा हुआ रहता है तो ये क्यों होता है आज बताएंगे। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था जो वेल्डिंग करने पर मेरा कंट्रोलर ख़राब हो गया है, कोई बोलता है मोटर नहीं घुमा है, कोई बोलता है कन्वर्टर ख़राब हो गया है, बैटरी ख़राब हो गया है, ये होता है क्यों, और आप लोगों को वेल्डिंग करने पर क्या क्या सावधानी लेना चाहिए वो इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए इस गाड़ी में क्या हुआ है, बैटरी जो बॉक्स है वो नीचे टूट के आ गया है, वेल्डिंग टूट गया है, तो इसको वेल्डिंग करेंगे। और वेल्डिंग करने का टाइम क्या क्या आप लोगों को सावधानी लेना होगा, क्या क्या चीज़ करना होगा, तो आपका कंट्रोलर ख़राब नहीं होगा, बैटरी ख़राब नहीं होगा, कन्वर्टर ख़राब नहीं होगा, मोटर का सेंसर ख़राब नहीं होगा, तो ये इस वीडियो में मेनली बताएंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे इस वीडियो को, छोटा सा वीडियो में डिटेल्स आप लोगों को बता देंगे वेल्डिंग करने पर क्या क्या आप लोगों को सावधानी लेना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं इस गाड़ी में जो बैटरी बॉक्स है ये टूट के नीचे आ गया है, रस्सी से बांधा हुआ है। एक बार आप लोगों को गाड़ी पलटी करके दिखा देते हैं, गाड़ी उलट के दिखा देते हैं। देखिए तो गाड़ी पलटी करने से पहले आप लोगों को सीट खोल के दिखा देते हैं बैटरी का जो बॉक्स है वो कहाँ पर टूटा है। तो देखिए ऊपर जो तीन बैटरी है उस जगह पर नहीं टूटा है, अंदर जो दो बैटरी रहता है, इस गाड़ी में पांच बैटरी रहता है, तो अंदर जो दो बैटरी रहता है नीचे वहीं जगह पर टूट गया है। और वो टूटने का कारण होता है थोड़ा हाइट उसका नीचा होता है तो वो टूट गया है। ज़्यादातर गाड़ी में ऐसा होता है, ओकिनावा मॉडल पर बॉक्स जो होता है नीचे टूट जाता है। तो वेल्डिंग करने से पहले जो करना है आप लोगों को, सबसे पहले ये बैटरी खोल लेना होगा। सबसे पहले कहीं पर भी अगर आप वेल्डिंग कराते हैं, आर्क वेल्डिंग जिसको इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करते हैं, तो उससे पहले वेल्डिंग कराने से पहले आप लोगों को बैटरी खोल लेना होगा। तो हम देखिए बैटरी खोल लिए हैं इस गाड़ी पर, और बॉक्स एक बार दिखा देते हैं। देखिए जहाँ पर टूटा था यहीं पर टूट गया है, देखिए दोनों तरफ क्लैम रहता है, ये क्लैम इधर टूट गया है, यहाँ पर लगा हुआ रहता है। आप लोग देख सकते हैं कितना सेंटरिंग आउट हो गया, यहाँ पर रहता है क्लैम इधर आ गया है, तो इसको सेंटरिंग कर लेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, आप लोगों को सिर्फ बताएंगे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करने पर क्या क्या आप लोगों को सावधानी लेना होगा। देखिए यहाँ पर भी टूट गया है बॉक्स, पहले एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं ये बॉक्स कहाँ कहाँ पर वेल्डिंग करना होगा। यहाँ पर करना होगा, और सामने जो क्लैम रहता है यहाँ पर भी वेल्डिंग करना होगा। ये सब टूट गया है तो अच्छा से वेल्डिंग करेंगे, इसको सेंटरिंग करके वेल्डिंग कर देंगे तो बहुत दिन चलेगा। और ये वेल्डिंग कराने से पहले आप लोगों को जो चीज़ करना होगा, ख़राब जो हो जाता है कंट्रोलर, मोटर का सेंसर, बैटरी, तो ये सावधानी करने के लिए आप लोगों को कंट्रोलर खोल लेना होगा। सबसे पहले आप लोगों को कंट्रोलर का जो कनेक्शन है वो पूरा खोल लेना होगा, मोटर का सेंसर का कनेक्शन भी खोल लेना होगा, और बैटरी भी खोल लेना होगा, उसके बाद वेल्डिंग कराना होगा। तो देखिए जहाँ जहाँ पर वेल्डिंग किए हैं आप लोगों को दिखाते हैं, और दिखाते दिखाते बताते हैं सबसे मेन चीज़ आर्क वेल्डिंग कहता है जिसको, मतलब इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। जहाँ पर ही भी करना है आप लोगों को गाड़ी पर, जरा सा भी वेल्डिंग करना है, तो सबसे पहले आप लोगों को बैटरी कनेक्शन खोल देना है, कंट्रोलर कनेक्शन खोल देना है, मोटर कनेक्शन खोल देना है, उसके बाद ही आप लोगों को वेल्डिंग करना है, तो कुछ नहीं होगा। और अगर आप गैस वेल्डिंग कराते हैं तो आप लोगों को कुछ खोलना नहीं होगा। हमने देखिए वेल्डिंग करा था तो सभी कनेक्शन खोल लिया था, ये इसीलिए होता है आर्क वेल्डिंग में, जो नेगेटिव और पॉजिटिव शॉर्ट करके वेल्डिंग होता है, तो इसीलिए कंट्रोलर ख़राब हो जाता है, मोटर का सेंसर ख़राब हो जाता है, और कन्वर्टर ख़राब हो जाता है। इसीलिए आप लोगों को कंट्रोलर खोल के वेल्डिंग कराना है। अगर कंट्रोलर खोल के वेल्डिंग कराते हैं, बैटरी खोल के वेल्डिंग कराते हैं, तो आपका कुछ ख़राब नहीं होगा। और गैस वेल्डिंग कराते हैं तो आप लोगों को कुछ
खोलना नहीं होगा, ऐसे वेल्डिंग करा देने से ही काम चल जाएगा। लेकिन गैस वेल्डिंग से आर्क वेल्डिंग जो होता है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, वो ज़्यादा मजबूत होता है, ज़्यादा दिन तक चलता है। तो वेल्डिंग हमने कर लिया, ये आर्क वेल्डिंग किया इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करने पर आप लोगों को कनेक्शन सब खोल लेना है, बैटरी खोल लेना है, कंट्रोलर का कनेक्शन खोल लेना है, मोटर का कनेक्शन खोल लेना है, तो आप लोगों को कुछ खराब नहीं होगा। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं दूसरा वीडियो में।